हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल GSML ब्लॉग। मैं हूं तालिब। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि हवावे के मॉडल G610U20 को किस तरह अपडेट किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने सिस्टम में जो फ़ाइल आपने गूगल से डाउनलोड करके सेव की, उसको कॉपी करें अपने मेमोरी कार्ड में। ये देखिए, ये मैंने उसको सेव किया हुआ है G610। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये देखिए, ये फाइल आ गई, अपडेटेड फाइल है। डी लोड का फोल्डर होता है इसमें, इसको आप कॉपी करेंगे। ये अपडेट की फाइल है एक। इस फोल्डर को आप कॉपी कर लेंगे अपने मेमोरी कार्ड में। ये देखिए, मैं अभी मेमोरी कार्ड साथ डिटेक्ट करता हूँ। ये लीजिए, ये मेरा मेमोरी कार्ड है। ओपन करके देखें, इसमें कुछ डाटा है, आप इसको फॉर्मेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ। ये देखिए, फॉर्मेट किया अपने मेमोरी कार्ड को, ओके किया, फॉर्मेटेड। अब वहाँ पे जाएं जो आपने वो डी लोड का फोल्डर अभी देखा, G610U20 का ये वाला फोल्डर आप सेंड टू मेमोरी कार्ड कर दें। लीजिए जी, आपकी ये 1.2 GB की फाइल आपके मेमोरी कार्ड में कॉपी हो रही है। कॉपीड, कंफर्म कर लें। ये आपको मेमोरी कार्ड जो आपने फॉर्मेट किया, ये उसमें वो फोल्डर पड़ा हुआ है जो आपने उसमें सेंड किया। रिमेनिंग प्रोसेस एट योर मोबाइल, जो बाकी का काम होगा वो आपके मोबाइल पर ही होगा, जैसा कि आप देख पाएंगे कुछ लम्हे बाद। ये लीजिए वो मेमोरी कार्ड जिसमें आपने फाइल को कॉपी किया, अपने सेट में डालें, चार्ज बैटरी डालें और इसके बाद वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन अप और पावर की मदद से इसको ऑन कर दें। तीनों बटन दबाए रखें जब तक वो अपडेट में ना जाए। देखिए नाज़रीन, एंट्री एसडी कार्ड अपग्रेड, अपग्रेडेशन फ्रॉम योर एसडी कार्ड शुरू हो चुकी है। सिर्फ इतना सा काम था, अब बाकी प्रोसेस ही ऑटोमेटिकली करेगा। लेकिन आप देख पाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं नाज़रीन, इसके लिए मैं आपको तफसील से बता देता हूँ। आप गूगल से एसडी कार्ड अपडेट की फाइल डाउनलोड करेंगे G610U20 हवावे मॉडल की, और उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करके, अनएक्सट्रैक्ट करके डी लोड का फोल्डर जो बनेगा उसको आप अपने मेमोरी कार्ड में सेव करेंगे। सेव करने के बाद सिंपली मेमोरी कार्ड को सेट में डालें, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर से उसको ऑन करें, तीनों बटन दबाए रखें। ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा जो आप देख पा रहे हैं। अपडेट हो रहा है आपका सेट, आपका हवावे मॉडल। अपडेट की ज़रूरत क्यों पेश आती है? इसमें कोई गलत किस्म की इंस्टॉलेशन हो जाती है, वायरस आ जाते हैं, स्पीड स्लो हो जाती है या कोई भी वजह बन सकती है। अपडेट करने के बाद आपका मोबाइल बिल्कुल इस तरह होगा जिस तरह बिल्कुल न्यू है। अपडेट हो रहा है, इस पर कुछ टाइम रिक्वायर्ड है, 7 से 8 मिनट लग सकते हैं, 10 मिनट भी लग सकते हैं। याद रखें, आपको इसकी अपडेट की ये फाइल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। आप देख रहे हैं हवावे का मॉडल G610U20 को किस तरह अपडेट किया जाता है। इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। एक तरीका जो मैंने आपको बताया, वेरी सिंपल वेरी इजी तरीका है जो आप देख रहे हैं, गूगल से आप फाइल डाउनलोड करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक आपको मिलेगा। डाउनलोड करने के बाद अनएक्सट्रैक्ट करें
उससे डी लोड का फोल्डर आपको मिलेगा। डी लोड के फोल्डर को आप मेमोरी कार्ड में रख के, फॉर्मेटेड मेमोरी कार्ड में रख के सेट में डालें और वॉल्यूम डाउन को दबाएं, वॉल्यूम अप को दबाएं और पावर को दबाए रखें। ऑटोमेटिकली वो जो फाइल आपने मेमोरी कार्ड में रखी है उसको डिटेक्ट करेगा और अपडेट होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं अपडेट हो रहा है। बहुत आसान और बहुत सादा तरीका है हवावे मॉडल को अपडेट करने के लिए। लीजिए जी, ओके आ गया। इट मींस कि आपका सेट अपडेट हो चुका है। कुछ प्रोसेस बाकी है जो आप देख पाएंगे अभी। नाउ रीस्टार्टिंग। ऑटोमेटिकली अपडेट होने के बाद आपका मोबाइल रीस्टार्ट हो रहा है। याद रहें, जब भी आपने अपडेट करना है आपकी बैटरी एटलीस्ट 50 से ज़्यादा चार्ज होनी चाहिए। 50% से ज़्यादा चार्ज होना ज़रूरी है। आप जब भी इसको अपडेट करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम आपको ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है इसके ऑन होने में। आप देख रहे हैं GSM अलबुराक से हवावे मॉडल को किस तरह अपडेट किया जाता है, जिसमें मैंने आपको तफसील से बताया, ये भी बताया कि इसकी फाइल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिलेगी और किस तरह इसको अपडेट करना है। सिंपल और आसान लफ्ज़ों में बयान किया। कुछ लम्हे और इंतज़ार। लीजिए जी, स्टार्टअप विजिट करें, नेक्स्ट दबाएं। स्किप करें, फिर स्किप करें, स्किप एनीवे, नेक्स्ट नेक्स्ट। फिनिश। लीजिए जी, आपका NG 610 AU20 सेट रेडी है इस्तेमाल के लिए। अब आप इसका वर्जन वगैरह चेक कर सकते हैं। सेटिंग में जाएं, अबाउट फोन में, और ये देखिए सब कुछ आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी।